जनरल नॉलेज के पार्ट 34 में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम लोग कुछ अलग तरह के जनरल नॉलेज को डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। नेम द लॉन्गेस्ट कैनल ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी नहर का नाम बताइए। और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंदिरा गांधी कैनल, जिसे पहले राजस्थान कैनल भी कहा जाता था। ये राजस्थान में है, 649 किलोमीटर है और दुनिया की ये दूसरी लंबी नहर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। विच कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर द कंट्रीज फर्स्ट प्रेसिडेंट, देश के पहले राष्ट्रपति के नाम पर किस राजधानी का नाम रखा गया है। मिलेंगे इसके लिए 5 सेकेंड्स, सोच समझ करके जवाब देना है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वाशिंगटन डीसी, जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर यह रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। जैसे स्टेट जो है तो उनके अपने मुख्यमंत्री होते, लेकिन केंद्र शासित में डायरेक्ट रूल इंडियन गवर्नमेंट यानी दिल्ली की तरफ से होती है। तो ये आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वुड यू फाइंड द लार्जेस्ट रोज गार्डन इन इंडिया, भारत में आपको सबसे बड़ा रोज गार्डन कहाँ मिलेगा। समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ में डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन है और भी तरह के कई एक वैरायटी के रोज यहाँ मिलते हैं, इसीलिए राइट आंसर इज चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रेसिडेंट हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एट टीचर्स डे, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिलेंगे आपको 5 सेकेंड्स। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हीं के जन्मदिन पर टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हु रोट द फेमस बुक आर्म्स एंड द मैन, प्रसिद्ध पुस्तक आर्म्स एंड द मैन के लेखक कौन है। समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जी बी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री इन्वेंटेड चेस, शतरंज का आविष्कार किस देश ने किया था। समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंडिया, भारत में इसका आविष्कार हुआ था और इस खेल का महाकाव्य महाभारत में भी जिक्र है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हु इज कॉल्ड द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है। समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को सर एडविन ऑरलैंड ने अपनी किताब द ग्रेट रिनंसिएशन में द लाइट ऑफ एशिया के नाम से मशहूर किया और वो इस तरह से प्रसिद्ध इस नाम से हो गए, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन, मतलब 1947 के बाद का आपको बताना। समय शुरू होता है आपका। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मौलाना आजाद। क्वेश्चन नंबर 10, विच गैस मेक्स अप अबाउट 17% ऑफ एयर,
कौन सी गैस लगभग 75% वायु बनाती है, मतलब हवा में कौन सी गैस 79% के आसपास शामिल है। आपको समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नाइट्रोजन। दोस्तों ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको पहली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।